आपने चलो बेटा स्क्रीन दिख रहा सबको। यस सर, यस यस सर। ये बात बताओ, नोट्स सबको मिल गया? नोट्स मिल गया सबको? यस सर। अश्रफ तुमको मिला नोट्स? यस सर। मिला? यस सर। सेंड तो किया नहीं मैंने। किस नाम से हो तुम? अशरफ। अशरफ अशरफ, तुम्हारा तो नंबर नहीं दिख रहा इसमें। सर मुझे ये चैप्टर का नोट्स नहीं मिला। नाम 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 अर्षिता। अर्षिता आपको देखो अभी चला गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले सेंड करा मैंने। ओके सर, ठीक। 4:59 में सेंड करा मैंने, ठीक है। सबको मिल गया है? किसको नहीं मिला है? अशरफ का नाम नहीं दिख रहा है, देखो किसको किसको मिला है, नाम सुन लो। कृति पंचाल, ख्याति, व्योम पटेल, कार्तिका, आहाना, ऋषभ, कृति, निशांत, हर्षुता, प्रिया दोषी, निधि जैन, खुशी, ऋषित, विश्व पटेल, साहिल, इतने लोगों को मिल गया है। चलो तो हम कहाँ पे थे उस दिन? सी वैल्यू। इससे कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने, याद है आपको सब लोगों को? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ बेटा चलो वीडियो ऑन कर सकते हो, कर लो वीडियो ऑन। तो हमने सी वैल्यू देख लिया था, किसको बोलते हैं सी वैल्यू, किसको बोलते हैं जल्दी बताओ? विश्व पटेल। विश्व पटेल सर, डीएनए अमाउंट इन हैप्लॉइड क्रोमोसोम। हैप्लॉइड कंटेंट, वेरी गुड। ठीक है तो चलो ये सारी बातें हमने देखी थी उस दिन, बताया भी था कि कैसे निकालते हैं डीएनए अमाउंट, है ना।
जो तीन एग्जांपल आपने देखे थे, मैंने पूछा था फीमेल एग में क्या होगा, है ना, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होगा और एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नो में क्या होगा, करेक्ट, इतना ही हुआ था। यस सर। अब देखो बेटा आगे, आज कुछ आपको आपका सिलेबस पता है संडे का, सबको सबको संडे का सिलेबस पता है? यस सर। यस सर। क्या है? सेल प्लस इंटरफेस। इंटरफेस ठीक है। हाँ चलो देखो, यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी फिर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। हाँ बेटा बताओ। सर एमफेस तक ही आ रहा है ना? क्या एमफेस तक ही आ रहा है ना टेस्ट? हाँ हाँ हाँ, इंटरफेस बस, एमफेस से पहले का जितना है। ठीक है ओके सर। हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे जो आप पढ़ के आओगे ना, सारा क्वेश्चन कर दोगे फटाफट। ठीक है चलो, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, इसमें अमाइटोसिस की बात हमने शुरू करी थी। अमाइटोसिस को अपन बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन, याद रखो। अमाइटोसिस को क्या बोलते हैं बेटा अपन, जल्दी बताओ? डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डिवीजन। क्यों बोलते हैं बताऊंगा, या इसको आप जानते हो, ये नाम तो सबको जानते हो, इसको क्या बोलते हैं अपन? इक्वेशनल डिवीजन। और तीसरा मियोसिस है, मियोसिस को क्या बोलते हैं अपन? रिडक्शनल डिवीजन। सबको पता है, बोलो। माइटोसिस को अपन बोलते हैं क्या बेटा? माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल, और मियोसिस को क्या बोलते हैं ओवरऑल अपन? रिडक्शनल। ये बातें सबको पता है। ठीक है, अब हमने अमाइटोसिस की शुरुआत की थी, है ना। अ मींस क्या होता है बेटा? अ मींस विदाउट। माइटोस मींस, माइटोस मींस क्या होता है? थ्रेड, है ना। मतलब यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, थ्रेड से मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? स्पिंडल फाइबर से मतलब है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, कहाँ पे? अमाइटोसिस में। इसलिए इसका नाम क्या है? अ मींस विदाउट, माइटोस मींस थ्रेड, मींस यहाँ पे सेल डिवीजन विदाउट स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के कारण होगा, है ना। और कैसे होगा बताओ बेटा, बता दिया था मैंने। कैसे होगा सेल डिवीजन यहाँ पे? सेल क्लीवेज। क्या बनेगा सेल को डिवाइड करने के लिए? प्रिया, कॉन्स्ट्रिक्शन। खुशी बेटा क्या होगा, कैसे होगा सेल डिवाइड? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन, हाँ ठीक है। तो अब माइटोसिस क्या है? विदाउट स्पिंडल फाइबर, मतलब कोई दूसरा मैकेनिज्म है जो सेल को डिवाइड करेगा, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्शन, नथिंग एल्स। इट इंक्लूड्स, देखो अब एक बात यहां से समझ लो, कोई भी सेल डिवीजन, अभी तीन टाइप का सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना बेटा, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड तीसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन? मियोसिस। जल्दी बताओ, पढ़ेंगे ना तीन, है ना। तो याद रखो, कोई भी सेल डिवीजन हो, माइटोसिस हो, मियोसिस हो, अमाइटोसिस हो, उसमें यह काम जरूर होगा। पहले क्या होगा बेटा? पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, मतलब पहले कौन डिवाइड करता है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तभी तो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो पहले हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और बाद में कौन डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के डिवीजन को क्या बोलते हैं बेटा अपन? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, या न्यूक्लियस। और याद रखने का, पहले हमेशा कौन होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस। पहले हमेशा कौन होगा? कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। चलो आगे देखते हैं। इट इंक्लूड्स, वही लिखा हुआ है, तो अभी तो याद रखने की है कि ये माइटोसिस भी पढ़ेंगे तो पहले कैरियोकाइनेसिस करेंगे फिर साइटोकाइनेसिस करेंगे, मियोसिस भी पढ़ेंगे तो उसमें भी पहले कैरियोकाइनेसिस होगा बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, और माइटोसिस भी है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, यहाँ देखो, इट इंक्लूड्स कैरियोकाइनेसिस, कैरियोन मींस होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मींस क्या होता है बेटा? मूवमेंट, है ना, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। नोट, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आगे देखो, अमाइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय सिंपल क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लीवेज क्या होता है? टूटना, है ना, जब कोई चीज कॉन्स्ट्रिक्शन बना के टूट जाता है उसको क्लीवेज बोलते हैं। आपको बता दूं बार बार मैं, क्लीवेज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है, सिंपल सी बात है ना। इसमें क्या होगा देखो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस बेटा, ये न्यूक्लियस क्या किया बेटा? ऐसे करके कॉन्स्ट्रिक्शन बनाया, ये कॉन्स्ट्रिक्शन फैलता जाएगा और धीरे धीरे ज्वाइन करेगा और दो इक्वल में टूट जाएगा। क्लियर है?
जायगोट का डिवीजन भी ऐसे ही होता है। हाँ बेटा, जायगोट का वो स्पेशल टाइप ऑफ क्लीवेज है, ठीक है। यहाँ पे क्लीवेज का मतलब सिंपल है क्या कि ये टूट जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ क्लीवेज वर्ड यूज हुआ है टूटने को लेके। जायगोट में क्लीवेज होता है ना, स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है क्लीवेज, बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस, और माइटोसिस ही है, कुछ अलग नहीं है, बट स्पेशल टाइप है। क्यों है थोड़ा सा बता दो। सुनो, माइटोसिस आपका जब भी होता है तो खुद से बताओ, ध्यान देना सुनो बेटा, माइटोसिस होता है तो एक चीज बताओ, एक सेल डिवाइड करता है तो कितने सेल बनते हैं माइटोसिस में? टू सेल। दो इक्वल सेल बनता है कि अनइक्वल सेल, ये बताओ? इक्वल सेल है ना। लेकिन यही है आपका, यही डिफरेंस है। जो जनरल माइटोसिस होता है ना बेटा, वहां पे एक सेल जब डिवाइड करता है तो दो सेल बनते हैं। लेकिन जब क्लीवेज होता है ना, तो है माइटोसिस ही, लेकिन थोड़ा स्पेशल है, मतलब वह जब डिवाइड करता है ना तो दो इक्वल सेल नहीं बनते हैं। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। बोलो। यस सर। इसके बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको जब आएंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो पूरा क्लीवेज के बारे में, बहुत सारे टाइप के होते हैं। चलो, तो माइटोसिस क्या है? सिंपल क्लीवेज, मतलब सिंपल क्या हो गया, पहला न्यूक्लियस टूट जाता है एक कॉन्स्ट्रिक्शन बना के, और फिर साइटोप्लाज्म भी टूट जाता है एक कॉन्स्ट्रिक्शन बना के। सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है नहीं, तो कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों का क्लीवेज या डिवीजन करवाता है, सिंपल सी बात। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, अभी सर लाइन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट। हाँ, यह बात की समझ कब होगी, जब पूरा माइटोसिस मियोसिस पढ़ लोगे तब। अभी आप बेटा हम पढ़ना शुरू करेंगे ना माइटोसिस मियोसिस, तो आप देखोगे एक फेज आएगा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब डिसअपीयर हो जाता है सेल में से। आ रही बात समझ, क्या बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ। Yes, sir. जब आप माइटोसिस मियोसिस देखोगे ना, तो एक फेज आएगा, देखेंगे पूरे फेज में एक ऐसा फेज आएगा जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, टूट के खत्म ही हो जाता है, गोल्जी बॉडीज खत्म हो जाता है ना, आपके साइटोप्लाज्म कंटेंट में से सब हट जाता है, फिर रीअपीयर हो जाता है बाद में, एक टाइम जाता है एक टाइम आता है फिर बाद में। तो देखो, तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी ना कभी तो टूटा ना बेटा, जल्दी बताओ टूटा कि नहीं? Yes. है ना। देखिए जब आप देखोगे किसमें, और माइटोसिस में देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी भी नहीं टूटता है, इसलिए क्या लिखा है हमने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट। आई बात समझ, जल्दी बताओ। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। इस तरह देखो, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, पहले ही बता दिया। इसमें कैरियोकाइनेसिस भी किसके थ्रू होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस भी कैसे होगा, थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन। अब कहां कहां देखने को मिलता है, ये तो आपको बता ही दिया, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया में पक्की की बात है, और माइटोसिस होता है, साइनोबैक्टीरिया अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया ओनली, है ना। समटाइम्स कभी कभी ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जो एंडोस्पर्म होता है ना हायर ऑर्गेनिज्म का, उसमें भी ये देखने को मिलता है, जो हमारे बॉडी में डिजीज्ड सेल और ओल्ड सेल हो जाते हैं, एनिमल में जो सेल बेकार हो गया, बहुत पुराना हो गया, उसमें काम करने की कैपेसिटी नहीं बची है ना, उस सेल में भी आपको अमाइटोसिस देखने को मिलता है, और जो हमारे कार्टिलेज के सेल्स है ना, वहां पे भी अमाइटोसिस होता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा। नॉर्मल डिवीजन देखो कैसे होगा, नॉर्मल डिवीजन अभी बताऊंगा, नॉर्मल डिवीजन पढ़ने वाले हैं, पर माइटोसिस मियोसिस नॉर्मल डिवीजन है सेल का, और माइटोसिस बैक्टीरिया इन सब में देखने को मिलता है, अमीबा में आपको देखने को मिलेगा, है ना। वो सब क्या करता है, अपने बॉडी को ही तोड़ लेता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। देखो जैसे एक सेल है, यहाँ दिख तो रहा है नीचे, देखो आप देखो एक सेल है, इसमें धीरे धीरे देखो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू किया, देखो तो न्यूक्लियस इसमें राउंड था, इसमें देखो तो बेटा यहाँ पे धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसना शुरू किया कि नहीं दोनों एंड से, देखो आप यहाँ पे इतना ज्यादा धंसता कि दोनों अलग अलग टूट के हो जाता है। फिर देखो जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब कौन डिवाइड होना शुरू हुआ बेटा, देखो बाहर में साइटोप्लाज्म हो रहा है ना, और फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर दो इक्वल पार्ट में बट गया। डिप्रेशन बेटा इसी को कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। आई बात समझ? यस सर। हाँ
चलो बेटा, तो ये तो बता ही दिया था, देखो कैसे हो रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। बीच वाला न्यूक्लियस है, बाहर वाला साइटोप्लाज्म। देखो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना शुरू हुआ, फाइनली दोनों अलग अलग हो गए, एक सेल में एक न्यूक्लियस, दूसरे में दूसरा न्यूक्लियस, दो इक्वल सेल में डिवाइड हो गया। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। चलो अब कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, हम लोग मिलके केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है? और आप सबको मिलके आंसर करना है इसमें। नेम द स्टेज वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स अकर। देखो इसमें बहुत लोग गलती करेगा। बता दो, नेम द स्टेज वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स अकर, जल्दी बताओ। सर एम फेज। एम फेज में डिफरेंशिएशन, जीवन फेज नहीं होता? जीवन फेज है नहीं बेटा, जीवन, इसलिए तो बेटा बोला मैंने कि इसमें गलती करेगा सब, जीवन फेज तो ऑप्शन में है ही नहीं बेटा। अब बताओ, जीवन फेज तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या विश्वास, क्या होगा आंसर? प्रिया क्या होगा आंसर? एम फेज में तो कैसे होगा बेटा, डिफरेंशिएशन क्या बोला था मैंने आपको, तुम लोग भूल जाते हो, कहानी देखते नहीं हो। सर जीवन फेज में ही होगा। किस में होगा? जीवन फेज। यस जीवन फेज, जीवन में ही होगा। जीवन तो ऑप्शन में नहीं, जीवन तो है ही नहीं बेटा ऑप्शन में। सर पर वही है, जीवन में ही होगा, उसी में होगा, ऐसा है? यस सर। नहीं बेटा याद रखो, यहाँ पे जीनोट एक ऑप्शन दिया हुआ है, दिख रहा है? यस। आपको मैंने अगर बताया था तो याद करो मैंने क्या बोला था, जीवन फेज में भी डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं और जीवन में भी, जीनोट में भी कैसा कैसा सेल होता है, डिफरेंशिएटेड सेल, याद है बोला था मैंने? याद है? तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो, ध्यान रखो होता क्या है ना बेटा, ऐसे देखो यह एक सेल साइकिल है, मान लो मैं आपको एक सेल साइकिल दिखा रहा हूँ, देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इसमें जानबूझ के क्वेश्चन डाला है मैंने क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं आके, ठीक है? अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखते रहो। चलो सबको स्क्रीन दिख रहा है, ये बताओ। यस सर। दिख रहा है बेटा सबको, दिख रहा है? देखो बात समझो सब लोग, एक सेल साइकिल बनाते हैं फिर से देखने के लिए, जो लोग एम फेज आंसर किया है समझो आप कैसे गलत उसके था। मैंने शुरू में एक बात बताई थी, याद करो तो, क्या बात बताई थी बेटा, कि अगर ये सेल साइकिल को हम डिवाइड कर ले, ठीक है, अगर हम इस सेल को डिवाइड करेंगे, यह मान लेते हैं कौन सा फेज है आपका, जीवन, यह कौन सा फेज है बेटा, एस, ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन जी टू, और यह कौन सा फेज हो गया बेटा, एम, ठीक है? ध्यान दो सब लोग, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैंने कल उसी दिन बताया था, जैसे ही सेल डिवाइड होता है उसका सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, उसका सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन, है ना? तो एम फेज में तो डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन शुरू होता है, तो पक्की बात है। अब ध्यान देना, ये जीवन के जस्ट बाहर एक और फेज है जो हमने बताया था, कौन सा फेज है बेटा, जी नॉट फेज। ध्यान रखो जब सेल इसमें आया ना तो डिफरेंशिएशन आपका होता है, लेकिन देखो सेल जैसे ही इसमें एंटर किया, सेल इसमें जैसे ही एंटर किया, अगर उसको डिवाइड करना है आगे तो ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे शुरू करेगा, नहीं तो फटाक से कहाँ भागेगा, जल्दी बताओ बेटा, ये जी नॉट में, और वहां पे अपना डिफरेंशिएशन करेगा। तो आपसे क्वेश्चन अगर ऑप्शन में ए भी दे दे, सीधा याद रखो मेनली डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है जी नॉट में, कहाँ पे होता है, जी नॉट में, क्योंकि जिसको नहीं डिवाइड करना है फट से आप भाग के अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो मेनली डिफरेंशिएशन जी नॉट में होता है, और इसी जी नॉट से निकल निकल के सर जब भी फिर से डिवाइड करना होगा कहाँ एंटर करेगा बेटा, कहाँ एंटर करेगा, जीवन, है ना? तो जी नॉट वाला जो डिफरेंशिएशन है वो भी जीवन में आ जाता है जब उसको डिवाइड करना होता है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दो, अगर क्वेश्चन हो नेम द स्टेज वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स अकर, आंसर करेंगे जी नॉट। यहाँ पे एम फेज को हटा के मैं लिख देता हूँ जीवन फेज, फिर भी आंसर आप क्या करोगे बेटा, जी नॉट, अगर जीवन और जी नॉट में चुनना हो तो। अब इसमें जी नॉट ऑप्शन नहीं है, जीवन ऑप्शन है, तब आंसर क्या होगा बेटा, जीवन। आई बात समझ, जल्दी बताओ, अगर जी नॉट और जीवन में से चुनना है तो किसको चुनोगे,
जी नॉट को चुनेंगे है ना। अगर जी नॉट नहीं होगा तब जी ऑन को चुनेंगे। ठीक है बेटा जल्दी बताओ, बोलो बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सिंपल याद रखना है आपको यार, कि पूछे कि सेल डिफरेंशिएशन कहां से शुरू होता है। बोलोगे सर जीवन में, अरे जीवन में होते हैं सेल्स, लेकिन शुरुआत जो होता है ना सारे सेल्स क्या होता है, एम फेज से आया उसको डिवाइड नहीं करना, जी टू में घुस जाएगा, जीवन में घुस जाएगा, जीवन से कहा जी नॉट में घुस जाएगा। ठीक है, जिसको भी डिवाइड नहीं करना सब जी नॉट में घुसते जाता है, जी नॉट में वहां पे जाके अपना मच्योर करके बैठा हुआ काम कर रहा है, है ना। जब जरूरत पड़ता है तो वहीं निकल निकल के कहा जाता है जीवन में। तो जीवन में भी डिफरेंशिएटर सेल है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन शुरू कहां हुआ था मेनली, जी नॉट में, और उसमें भी है। तो दोनों में क्वेश्चन अगर ऐसा है कि किस किस फेज में डिफरेंशिएटेड सेल, जीवन में भी है जी नॉट में भी है, स्टार्ट कहां हुआ जी नॉट बोलेंगे। अगर ऑप्शन में जी नॉट ना दिखे तब जी ऑन। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो सर। हाँ बोलो सर। मींस ऑल सेल्स जी नॉट फेज में एंटर तो करते ही। क्या बोला बेटा? सर मींस ऑल सेल्स जी नॉट फेज में एंटर तो करते ही है। सेल्स जब जीवन फेज में होता है तो सर जी नॉट फेज में सारे सेल एंटर तो करते हैं ना, फिर डिवाइड करना होगा तो वापस जीवन में आ जाएंगे। जीवन में आ जाएंगे एग्जैक्टली। जो सेल को कंटिन्यूअस डिवाइड, सारे सेल जी नॉट में एंटर किया, डिफरेंशिएट करके अपना काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? समझे बात? देखो समझो बात को, बहुत इजी टॉपिक है। तो एम फेज में सारे सेल डिवाइड कर गया, वह जीवन से आकर तुरंत घुस गया जी नॉट में, वहां पे जाकर डिफरेंशिएट किया, अपना क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। जब उसकी जरूरत होगी फिर से वो जीवन में घुसेगा, और जीवन में घुस के क्या करेगा बेटा, अपना फिर से डिवीजन शुरू करेगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। बोलो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल स्टार्ट्स एट जी नॉट, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट डिवाइड, इनमें से कौन ऐसा सेल है जो डिवाइड नहीं करता, जल्दी बताओ। नर्व सेल। नर्व सेल। फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल इज, किसको बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज? ऑप्शन देखो और उसके अकॉर्डिंग आंसर करो जल्दी से। फर्स्ट गैप फेज, पहले ये बता दो फर्स्ट गैप फेज किसको बोलते हैं? जीवन को, उसी को बोलते हैं क्या? जल्दी बताओ। यस सर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा इसमें? ए। सर ए। वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। जिसको ना समझ में आए पूछना कि सर कैसे हो गया आंसर ए। During G2 phase, ध्यान देना, deployed cell contains the amount of DNA equal to, इसमें थोड़ा सोच के आंसर करना, जो सही आंसर करेगा एक डेयरी मिल्क। ड्यूरिंग G2 phase, a deployed cell contains the amount of DNA equal to deployed cell, tetraploid cell, tetraploid cell। चलो सब लोग अपना देखो, प्रिया विश्व पटेल जो भी है भाई सब बताओ, खुशी निधि जैन साहिल, डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल। ओके बेटा। हाँ हाँ बेटा बोलो सर। टेट्राप्लॉयड सेल। किसने बोला ना? नहीं सर, डिप्लॉयड सेल, सॉरी सर, टेट्राप्लॉयड सेल ही होगा। अच्छा किसने बोला टेट्राप्लॉयड? विश्वास। विश्वास ठीक है, और बताओ कोई? सर डिप्लॉयड। Deployed, ठीक है, और बताओ tetraploid किसने बोला? सर कार्तिका। कार्तिका ठीक है, और बताओ ऋषभ क्या लगता है, क्या लगता है? जय माता दी करते हैं फिर मारते हैं किसी पर टिकट, तो सही होगा ही क्या? ऋषभ बेटा क्या होगा बताओ? निधि तुम्हारा ऑप्शन क्या है? सर टेट्राप्लॉइड होगा। टेट्राप्लॉइड होगा ओके। प्रिया आपका ऑप्शन? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड ठीक है। विश्व पटेल क्या लगता है आंसर इसका? सर डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल बेटा। चलो देखो बेटा,
बेटा आपका क्या है मतलब नाम, विश्वा है कि विश्व पटेल है, क्या है? सर विश्वा। अच्छा ठीक है, हाँ चलो देखो थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग, बहुत आसान है बेटा। ड्यूरिंग जी टू फेज अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल टू, ध्यान रखो जी टू फेज में पूछ रहा है ना, तो मान लेते हैं, ध्यान से देना, देखो आंसर कैसे करना, अपना लॉजिक लगाना है, अपना दिमाग लगाना है सबको। आंसर क्या करना है बेटा, पूछ रहा है ड्यूरिंग जी टू फेज अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास शुरुआत में एक डिप्लॉयड सेल है ना, और उसका डीएनए कंटेंट 2c है, कितना है बेटा जल्दी बताओ, 2c, 2c शुरुआत में जो सेल है, मतलब शुरुआत में मतलब जीवन फेज में ऐसा है। अब एस फेज में जब गया तो इसका डीएनए का कंटेंट कितना हो गया बेटा, 4c है ना, तो डिप्लॉयड में 2c था, ठीक है, तो अब अमाउंट बढ़ के आपसे जी2 में पूछ रहे थे 4c हो गया, तब आंसर डिप्लॉयड सेल करे कि टेट्राप्लॉयड सेल करे, ये बताओ, टेट्राप्लॉयड सेल क्या करे बेटा, रिया क्या आंसर करना चाहिए बताओ, टेट्राप्लॉयड बेटा, इसलिए हल्का सोचना है बेटा आंसर करने से पहले, अरे सब पढ़ चुके हो आप, यही मैं बोलता हूँ कि टीचर आपको पढ़ा देगा, एप्लीकेशन कब होगा जब चीजों को सोचोगे, सीधे आंसर नहीं करना है, लॉजिकली करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है कि चलो एक सेल ले लेते हैं अपन, उठा लेते हैं एक सेल को, जीवन में मान लेते हैं कि वो डिप्लॉयड सेल होता है जीवन में, पक्की बात है, उसमें मान लेते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है, जो भी मतलब ले लो 4c है 8c है जो भी है। अब बोला जी2 में पूछ रहा है, तो भाई ये बीच में उसमें तो डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता, मतलब 4c हो गया, मतलब उसमें डीएनए अमाउंट टेट्राप्लॉयड सेल के बराबर हो गया ना, हो गया कि नहीं, बोलो बेटा, यस सर। चलो आगे देखते हैं, गैप बिटवीन डिवीजन फेज, याद रखना गैप बिटवीन डिवीजन फेज एंड द स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड डिवीजन फेज, जीवन फेज आंसर होगा, वेरी गुड। इन अ सेल साइकिल व्हिच इंटरफेज, इंटरफेज, वेरी गुड वेरी गुड। इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन S phase. Which phase of cell cycle is known as G0 phase? G0 phase. Good. Interphase includes all of the following. Anaphase. Very good. Which of the following phase is called the resting phase during which cell is preparing for division by undergoing both cell growth and replication? Interphase. Which of the following phase follows S and G2 phases of interphase? Prophase. वेरी गुड, हाँ ये अभी बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे क्योंकि आगे का थोड़ा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, ये बता दिया था मैंने पिछले लेक्चर में। बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा कहाँ पे, बहुत मेटाफेज बताया था ना बेटा, ये पढ़ेंगे बाद में, लेकिन बताया था उस दिन इसलिए क्वेश्चन डाला मैंने। मियोसिस, अब यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट रिडक्शनल, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बेटा क्या होगा आंसर इसका, फर्स्ट रिडक्शनल, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो सब लोग, खुशी होती है जब आंसर करते हो। देखो मैं कितना भी अच्छा पढ़ाओ नहीं करोगे, एक चीज आपको बता दूं, जिनके मन में ये होगा ना कि एट द एंड क्या होगा बायो में, आपको याद करा दूं, आपको मिला भी दूंगा है ना, बायो में बेटा हाईएस्ट जो नंबर थे इस बार इतने थे, यहाँ पे कितना है बेटा, कितना है बताओ, 341 आउट ऑफ कितना, 360 है ना, और एक दो नहीं 10 बच्चों का 300 प्लस नंबर था, जबकि बैच साइज यहाँ पे छोटा होता है, आपको पता है कि नीट करने वाले बच्चे कम ही होते हैं, ठीक है। प्रियांशी गुप्ता सुना है, देखा होगा रिजल्ट में उसका लगा हुआ है, एडनोवा का एड देखा होंगे आप तो, है ना, उसके फिजिक्स में थोड़े नंबर कम हो गए थे प्रियांशी गुप्ता के, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में बहुत जोरदार था, 160 नंबर उसके केमिस्ट्री में थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हर साल आता है, उससे पहले एक आशुतोष करके था जो अभी बीजे मेडिकल में है ना, उसके भी बायो में 326 थे, एक बच्चा का 331 था, ये सब बीजे मेडिकल में है अभी, ठीक है, और सबके अभी भी मतलब आते, तो देखो ये तो गारंटीड है, तुम पढ़ लो, इससे नीचे तो कोई तुमको रोक नहीं पाएगा, मैं अगर पढ़ाऊं
और तुम उसका अगर 70-80% भी अगर तुम सीख लो और जो मैं बातें बोलू कर लो, 300 प्लस तो कोई नहीं रोक पाएगा तुमको, कोई भी नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन है, मल्टीपल रिविजन, बार बार स्टडी। मैं एक बार पढ़ाऊंगा, दो बार रिविजन करवाऊंगा, तीन बार करवाऊंगा, लेकिन मैं तीन बार करवाऊंगा, आपको उसको 10 बार करना होगा। तो ये चीज आपको करना है, कोई नहीं रोक सकता 320 प्लस, लिख के देता हूं मैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करना होगा। ऐसे नहीं होता है कोई डॉक्टर सीधे नहीं बनता है इंसान, है ना? बात समझ रहे हो बेटा? बोलो। यस सर। बिल्कुल। और नंबर देखो कैसे आते हैं फटाफट। पहली बात बता दूं, पहले का नीट और अब के नीट में बहुत फर्क है। अब नीट निकालना आसान हो गया है पहले के कंपैरिजन में। जब हम लोग ने पेपर दिया था और हमने जब नीट क्रैक किया था उसमें बेटा बहुत टफ था, दो दो पेपर देना होता था हम लोग को, है ना? पहले प्री होता था फिर मेंस होता था मेडिकल में, अब क्या हो गया एक पेपर है, वो भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। हमारा पहले 40% क्वेश्चन बाहर से पूछता था, 60% ही बुक में मिलता था। आ रही बात समझ? बोलो। आपके बारे में कितने हैं बेटा, ये जानना जरूरी है? नहीं सर, बताइए। उस समय बेटा, उस समय का नंबर लाना बहुत मुश्किल होता था बेटा। अभी के नंबर में जो तुम्हारे 341 देखते हैं ना, उसमें अगर तुम 280 लाते थे तो भी बहुत होता था, है ना? मेरे बायो में बेटा 311 नंबर थे उस समय, आप समझो। जबकि उस समय 40% क्वेश्चन ऐसा होता था कि दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो? Yes, हम लोगों ने जब नीट दिया था बहुत पहले की बात है, 2013, अभी चेंज हुए लगभग 7-8 साल हो गए, है ना? 2011, हाँ, तो समझो अभी बहुत चेंजेस हो चुके हैं तब तक। तो 10 साल में तो इतना पैटर्न, नीट का क्वेश्चन इजी कब से आना शुरू हुआ है? 2017 से पूरा चेंज ही हो गया। एनसीईआरटी बुक चेंज किया, कंटेंट उसका चेंज किया और क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया, क्योंकि अब हो गया ना क्या, अब अमेरिका बनते जा रहे हैं हम इन सब चीजों में, मतलब कंसर्न आने लग गया, बच्चों पे लोड नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई इतना ज्यादा ये नहीं है, मतलब हर चीज पढ़ाई नहीं है, सही बात भी है, तो इसलिए लोड अब कम हो रहा है ताकि बच्चों को इतना मेंटल प्रेशर ना मिले। पहले नीट निकालना एक बहुत बड़ा ही होता था, है ना? अब तो आसान है बेटा, सही बता रहा हूँ। 400 नंबर ना एक एवरेज बच्चा लेके आ जाता है इन टोटल, एवरेज बच्चा जो थोड़ा बहुत भी मेहनत कर देगा ना, अपने पोटेंशियल का आधा भी, वो 450 नंबर तो ऐसे ही लेके आ जाता है। तो करो मेहनत थोड़ा, मतलब ईमानदारी से सब लोग, और देखते रहो। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, नहीं पता चले तो नंबर ले लो जो भी पुराने बैच के हैं, पता कर लो कि कैसा पढ़ाते हैं सर और कैसा होगा पूरे 2 साल में, सबका नंबर देने के लिए तैयार हो, पता कर लो, बता देगा सब, बता देगा आंख बंद करके, ठीक है? तो ये सब बात हम लोग अपने मुंह से नहीं बोलते, जो भी बच्चे तुम लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे जो 10th में यहाँ के बच्चे थे, बहुत लोग जानते भी होंगे अगर इंटरेक्ट किया होगा अपने सीनियर से कभी तो। चलो आगे देखते बेटा, तो बस इतना करो कि, और देखो पहली बात, कुछ बच्चे के क्या होते हैं ना, अभी पढ़ा जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने, 10 सॉल्व किया, 5 गलत हो गया, उसको क्या लगेगा, अरे यार क्या पढ़ा हमने, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। ये क्वेश्चन तुम बताओ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन था यह वाला, कहाँ गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आसान था कि नहीं था ये बताओ, 4th नंबर आसान था, लेकिन बहुत लोग इसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, तो यही मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी आसान क्वेश्चन आपसे अभी सॉल्व नहीं होगा, क्यों? अभी तुम 10th में ऐसा प्रैक्टिस करके नहीं आए हो बेटा, इतना लॉजिक नहीं लगाते थे आप, अब धीरे धीरे जब 2 बार 10 बार 12 बार पेपर दोगे ना, 3-4 महीने जब पेपर दे दोगे, खुद तुम्हारा दिमाग खुलना शुरू होगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, उसके लिए टाइम दे रहा होगा 3-4 महीने आपको, 3-4 महीने में तुमको समझने आने लग जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन में लैंग्वेज भी ऐसे ऑलमोस्ट करके दे देता है, क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, अभी तो तुम्हारे बेसिक्स पेपर हो रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम आने दो, चैप्टर खत्म होने दो, तब देखना, ठीक है? तब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को पता चलेगा, तुम खुद उसमें मस्त होते जाओगे, खुद से एनालाइज करना शुरू कर दोगे, खुद से सोचना शुरू कर दोगे, तो उसके लिए टाइम देना होगा। अभी बस पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, गलती होता है कोई इशू नहीं है, और 3-4 महीने बाद एनालाइज करना कि कैसे आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। चलो आगे देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू जी नॉट स्टेज, किसकी बात हो रही है, कौन से स्टेज की बात हो रही है बेटा, जी नॉट, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू जी नॉट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव,
All of the above. It is a quiescent state. All of the above. Pakka? Yes, sir. Pakka? जल्दी बताओ सब सही है ना यस सर ऑल ऑफ द अबव इन व्हिच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीज आर सिंथेसाइज्ड इन एन एस फेज एस फेज यहां क्वेश्चन आया अब बताओ हाउ मेनी माइटोटिक डिविजंस आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स चलो कैलकुलेट 64 फटाफट बता दिया कैसे भाई डिवाइड बाय 2 कर दिया यस सर वाह सोचो बेटा सोचो गलत आंसर है लॉजिक लगाना है सर माइटोटिक डिवीजन मींस माइटोसिस ही होगा यार माइटोसिस माइटोसिस की बात कर रहा हूं सर उसमें तो दो डॉटर सेल्स बनते हैं ना सर 64 ही होगा 64 ही होगा पक्का यस सर अब एक और ऐड हो रहा है इसमें जॉब 7 7 सर किसी ने 7 बोला है ना 7 चलो ठीक है सोचते जाओ और सोचो और सोचो और सोचो बेटा जरा पूछ ले रिसेप्शन पे ऐसा किसी का एडमिशन हुआ है क्या एक मिनट अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग दिमाग लगाओ सब अपना अपना आप दिमाग लगाओ लग रहा है क्या होगा आंसर जल्दी बोलो 7 ही आएगा 7 ही आएगा तो 64 64 ठीक है एक मिनट जरा देख सर 7 आएगा 7 आएगा ओके चलो किसको किसको लगता है बेटा कि 7 आएगा किसको किसको लगता है चलो एक बार जरा नाम देखते हैं कौन कौन बोल रहा है 7 चलो बताओ तो सर मैं साहिल 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 7 बोल रहा है जो जो 7 बोल रहा है सब मार खाने वाले सर मैं ख्याति ख्याति 7 और कौन कौन बोल रहा है खुश 64 सर आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ बेटा म्यूट किया हुआ था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी अभी एक बच्चा ऐड हुआ किस सेंटर का है बेटा किस सेंटर से हो आप जो किस सेंटर से हो आप क्या नाम है आपका बेटा अभी जो क्लास मेंटर क्या नाम बताओ अपना उसको नाम बताने बोला तो चला गया चलो इसमें था क्वेश्चन था आपका कि हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन आर नीडेड फॉर सिंगल सेल प्रिया तुम्हारा आंसर क्या था इसमें 7 ठीक है और खुशी तुम्हारा आंसर क्या है बेटा 7 ऋषित ऋषित क्या आंसर इसका 64 ऋषित शांत शांत है ऐसे तो आंसर करता है आज नहीं कर रहा आंसर तुम विश्व पटेल
विश्वा क्या आंसर है बेटा? सर सेवन आएगा। सेवन आएगा बिल्कुल बेटा। देखो बेटा क्या दिमाग लगाना था यहाँ पे, देखो इसलिए मैंने आज क्वेश्चन का रखा है सीजन, है ना, सेशन की आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखो बेटा आपसे पूछ रहा है एक सिंगल सेल से हमें 128 सेल बनाना है। अब एक ही बताओ तो बेटा, एक ही बताना, एक सेल है हमारे पास, ध्यान दो एक सेल है, एक सेल डिवाइड करके कितने सेल बनाता है बेटा? टू सेल्स। अब दो से कितने बनेंगे बेटा? ये चार, चार से कितने हो जाएंगे बेटा? एट, एट से कितने हो जाएंगे बेटा? 16। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, तो ऐसे नहीं कर सकते आंसर अपन, आप जिस तरीके से बोल रहे हो उस तरीके से आंसर पॉसिबल नहीं है। देखो आपने क्या किया सबने क्या किया यहाँ पे, देखो 128 है ना, तुरंत मारा दो से डिवाइड कर दिया, यही किया ना बेटा, जल्दी बोलो। Yes, yes, गलत हो गया ना बेटा, समझ रहे हो कैसे गलती हो गया? Yes, ना? तो हमेशा टू में याद रखने का, देखो ना एक सेल से डिवाइड किया तो दो बना, दो से कितना बना बेटा? चार, चार से कितना बना बेटा? आठ, आठ से कितना बना बेटा? 16, 16 से कितना? 32, 32 से कितना? 64, 64 से कितना हो गया? 128, है ना, 128 हो गया ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. देखो तो कितने डिवीजन होंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात हुआ कि नहीं, एक दो तीन चार पाँच छ सात हुआ कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. समझ? Yes, sir. निधि बीच में चली गई थी बेटा, समझ में आया कैसे होगा आंसर इसका सेवन? Yes, sir. हाँ देखो एक सेल जब डिवाइड करेगा तो कितने कितना बनेगा बेटा? दो, दो डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा बेटा? चार, चार करेगा तो आठ, आठ करेगा तो देखो ना पहला सेल डिवीजन के बाद दो बना, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो सेवन सेल डिवीजन। चलो बेटा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो एक बच्चा था वो क्लास में ही ऑफिस से कॉल आया था कि सर वो अपने सेंटर का नहीं है, ऐड नहीं करना उसको। तो बेटा इसका आंसर कैसे हुआ है समझ में आया सबको, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही आंसर करना है, इसमें गलती नहीं करना या नहीं करने का। अब अगर क्वेश्चन पूछ लेता 250 सेल 256 सेल बनाने में कितने चाहिए तो क्या आंसर होता, जल्दी बताओ। कितना होता बेटा? 8, है ना, तो ऐसे आंसर करने का। क्लियर है बेटा, अब गलती नहीं करोगे? यस सर। ठीक है, हाँ इसमें गलती नहीं करने का, ऐसे हाफ हाफ नहीं कर देंगे। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है बेटा? Yes, sir. अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, ये देखो, फोर डॉटर सेल्स फॉर्मड आफ्टर मियोसिस आर, मियोसिस पूछ रहा है, ध्यान रखना क्या है क्वेश्चन हमारा, डिफरेंट जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली डिफरेंट और न्यूक्लियेट मल्टीन्यूक्लियेट, क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा। जेनेटिकली क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ।
डिफरेंट। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता, फोर सेल तो नहीं रहता, क्वेश्चन रहता टू सेल, मान लो टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस जेनेटिकली सिमिलर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताओ तो बेटा अन्यूक्लिएट मींस क्या होता है? अन्यूक्लिएट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हाँ, वैसे सेल को अन्यूक्लिएट बोलते हैं जिसमें क्या एब्सेंट हो बेटा? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। जिसमें क्या एब्सेंट हो बेटा? न्यूक्लियस एब्सेंट हो। क्लियर है? यस सर। हाँ चलो बेटा आगे देखो। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये क्वेश्चन में जो फोर सेल्स फॉर्म हो गए वो जेनेटिकली सिमिलर ही हो गए ना सर? कैसे जेनेटिकली सिमिलर होगा बेटा? मियोसिस में, मियोसिस में कैसे सिमिलर कर रहे हो तुम? देखो पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं, फिर भी आंसर कर रहे हो तुम कि सर मियोटिक डिवीजन है बेटा। मियोटिक डिवीजन में अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी, 50% कैरेक्टर किसका आएगा मियोटिक डिवीजन में बेटा? फादर का, और 50% किसका आएगा? मदर का। तो कैसे सिमिलर होगा जल्दी बताओ? तुम जैसे हम एक प्रोडक्ट है ठीक है अपने मम्मी पापा के, तो एक चीज बताओ क्या हम मम्मी पापा के बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं? नो सर। बात समझ में आ रही है बेटा क्या बोल रहा हूँ? yes. है ना, नहीं होगा। देखो ना एक्स एक्स ये मम्मी है, ध्यान दो, यहाँ देखो एक्स एक्स मम्मी है, एक्स वाई पापा है। जब हम बनते तो गैमिट आता है ना, तो इसमें से एक्स आया, इसमें से एक्स और वाई आया है ना। तो देखो तो 50% अगर फीमेल हुई तो मम्मी का, 50% डैड का। अगर मेल भी हुआ तो 50% मम्मी का एक्स वाई है, तो एक्स मम्मी का वाई डैड का। तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकते ना, जेनेटिकली सिमिलर तो चेंजेस है हमारे अंदर, वेरिएशन है, तभी तो हम पेरेंट्स अलग दिखते हैं, है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ तो नहीं होगा। yes, माइटोसिस अगर हो ना बेटा, माइटोसिस में पक्का सिमिलर होगा, क्लोन जिसको बोलते हैं, कॉपी। बताओ क्वेश्चन कोई समझ गया बात? यस सर। हाँ बेटा चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ठीक है? चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल डिवीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो पढ़ो सब लोग स्टेटमेंट और इसका आंसर करो जल्दी से, कौन सा सही होगा? सर 1 एंड 2 ए। 1 एंड 2 यस सर। 1 ए सर। 1 एंड 2 चलो सब लोग से जरा, सब लोग से पूछ ले जरा, सब लोग से पूछ ले जरा। आहाना बेटा क्या होगा? सर 1 एंड 2 1 एंड 2 अशरफ यस सर। क्या होगा बेटा आंसर इसका? अशरफ तुम शुरू से क्लास कर रहे हो कि इधर आके ज्वाइन किया आपने? नहीं सर इधर ही क्लास। इधर करा ना, तो अपना नंबर से मेरे को व्हाट्सएप कर देना ठीक है, नोट्स भेज दूंगा मैं ठीक है? यस सर। हाँ जिससे लिंक भेजा था ना उसी नंबर पे मैसेज कर देना सर, अशरफ 11th ए, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको। हर्षिता बेटा क्या होगा आंसर? हर्षिता यस सर। क्या होगा आंसर इसका? कार्तिका सर 1 एंड 2। खुशी, खुशी बेटा आंसर क्या होगा इसका? yes, क्या होगा आंसर? हाँ बेटा बोलो सी। चलो 1 एंड 3 ठीक है। देखो कोई बात नहीं है, जिसको जो लगे आंसर वही करने का ठीक है। विश्व पटेल ने बोला। हाँ बोलो बोलो सर। ऑप्शन ए 1 एंड 2। 1 एंड 2 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1 एंड 2 चलो देखो बेटा, जिसको ना समझ में बताऊं, देखो क्या पूछ रहा है आपसे। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एम फेज। देखो यही वाला क्वेश्चन आता है ना बेटा नीट में भी, सबसे ज्यादा इसी में गलती होती है क्योंकि इसमें शब्दों का इधर उधर रहता है। यही मैं आपको शुरू में बताया था कि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना उसको बड़ा ध्यान से करना होता है क्योंकि इसमें बस हल्का सा कुछ इधर उधर होगा और अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो गलत हो गया। कभी कभी तो एक शब्द का इधर उधर होता है, अगर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा ठीक है। तो देखो क्या है, एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन
टू सक्सेसिव एम फेज। तो एम फेज मतलब माइटोसिस की बात कर रहा है, तो पक्की बात है एम फेज में ही डिवीजन होता है। और इंटरफेज वह फेज है जो दो सक्सेसिव एम फेज, मतलब देखो तो साइकिल बना रहे अपन, अगर साइकिल हमने बनाया यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे कर दिया हमने, जी वन है सर, एस है, जी टू है सर, और यहाँ पे कौन है भे? और यहाँ पे है बेटा आपका कौन सा फेज, एम फेज। तो बोल रहा है इंटरफेज, ये तीनों को मिला के इंटरफेज बोलते हैं बेटा, किसको, जी वन एस जी टू को मिला के। बोल रहा है इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव, देखो तो एक एम फेज उसके बीच में इंटरफेज, फिर अगला एम फेज, तो दो एम फेज के बीच का पूरा फेज को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इंटरफेज है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड आते हैं, इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर, सेल डिवीजन प्रॉपर मतलब ये किसकी बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, माइटोसिस का, एम फेज की बात कर रहा है, डिवीजन तो एम फेज में होता है ना, तो नाम चेंज कर दिया बस, सेल डिवीजन प्रॉपर, सेल डिवीजन किस में होता है, एम फेज में। तो पक्की बात है ह्यूमन में टोटल ड्यूरेशन है एक सेल को डिवाइड होने का 24 घंटे, और मैंने आपको बताया था इसमें इंटरफेस कितने घंटे का होगा बेटा, लगभग 23 आवर्स, है ना, और एक घंटे का होता है एम फेज, ये बात भी सही लग रही है। तीसरा है एम फेज कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोर देन 95%, इसी बात को उल्टा बोल दिया है, ये वाला गलत हो गया ना बेटा, इंटरफेज होना चाहिए था ना कि एम फेज, तो ये वाला गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा करेक्ट इसका, बेटा अब चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब हम अगला फेज शुरू कर रहे हैं, दैट इज इंटरफेज, क्योंकि हो चुका है हमारा, अब हम शुरू करेंगे एम फेज, ठीक है। यस सर। देखो तो इंटरफेज हो चुका है, अब कौन सा फेज शुरू कर रहे हैं अपन, कौन सा फेज शुरू कर रहे हैं जल्दी बताओ, एम फेज। एम फेज मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल डिवीजन ऑफ द सेल, करेक्ट, सही है। यस सर। चलो देखो यहाँ पे देखो डिवीजन फेज, इसी को एम फेज बोलते हैं या इसी को माइटोटिक फेज बोलते हैं, सारा नाम इसका है, एम फेज बोल दो, डिवीजन फेज बोल दो, माइटोटिक फेज बोल दो, लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर इन 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल of a human cell. अभी बताया आपको एक human का cell total duration लेता है 24 hour, मतलब interphase plus M phase मिला के 24 hour में मतलब divide कर जाता completely, मतलब एक cell से दो cell बन जाएगा ऐसे। तो इस 24 hour में से 95% से ज्यादा time, मतलब लगभग 23 घंटे कौन लेता है बेटा, 23 hours interphase, एक घंटा बस मिलता है आपको किसको, M phase, यही line पहला लिखा है। चलो आगे देखते हैं, दूसरा है एम फेज और माइटोटिक फेज, एम फेज और माइटोटिक फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स, इसमें समझाने लायक कुछ है जल्दी बताओ, है कुछ समझाने लायक इसमें, नहीं है ना, एम फेज वह फेज बोलते हैं जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, चलो बेटा आगे देखो, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज रिस्ट्रिक्टेड और ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, सर ध्यान दो, हाँ बेटा बोलो सर, ख्याति को ऐड कर दो ना, अच्छा कर रहा हूँ एक मिनट, ख्याति ख्याति हाँ 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 देखो, चलो कर दिया ऐड बेटा, हो गई ऐड, ज्वाइनिंग आ रहा है उसका लगता, अभी भी ऐड नहीं हुई हो, उसके इंटरनेट में प्रॉब्लम है लगता है, क्योंकि ऐड तो कर रहा हूँ नहीं हो रही हो, चलो अब आएगी तो ऐड कर लूंगा मैं। हाँ देखो देखो बेटा, तो एम फेज को डिवीजन फेज बोलते हैं, यहीं पे क्या होगा आपका एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का, सारी बातें बहुत बार किया हमने। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज रिस्ट्रिक्टेड और ओनली सीन इन डिप्लॉयड, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह नीट का क्वेश्चन है, यह नीट का क्वेश्चन है बेटा। देखो दो टाइप का हमने सेल डिवीजन पढ़ना है अभी, एक क्या पढ़ना है बेटा हमें माइटोसिस, और एक क्या पढ़ना है हमें बेटा मियोसिस, है ना, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपसे यह क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा और बच्चा बता ही नहीं पाता है कि
माइटोसिस एक्चुअली किसमें होगा, मियोसिस किसमें होगा, तो ध्यान रखो. इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज रिस्ट्रिक्टेड और ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल. एनिमल की बात करें और प्लांट की बात करें, दोनों में देख लेते हैं कि भाई माइटोसिस कहाँ होगा. एनिमल में बेटा ये कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारे सोमैटिक सेल में. सोमैटिक सेल मतलब, सोमैटिक सेल को एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी सेल, है ना. सोमैटिक सेल को क्या बोलते हैं बेटा अपन, बॉडी सेल. जो आपका आंख का सेल है, कान का, नाक का, जितने सेल है ना हमारे बॉडी में, सबको हम सोमैटिक सेल ही बोलते हैं. बस एक सेल को छोड़ के, किसको, सेक्स ऑर्गन को. जो गोनैड्स है ना हमारे बॉडी में, प्राइम मतलब टेस्टिस में जो सेल्स है और ओवरी में जो सेल्स है हमारे बॉडी में, इसको सेक्स ऑर्गन है. मेल सेक्स ऑर्गन कौन है बेटा, टेस्टिस, है ना, इसी में स्पर्म बनता है. फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है बेटा, ओवरी, इसी में क्या बनता है, एग बनता है. तो सेक्स ऑर्गन में जो सेल्स होंगे उसको छोड़ के, इनमें जो सेल्स होता है ना उसको सेक्स सेल बोलते हैं बेटा, सेक्स सेल, है ना, क्योंकि ये हमारे सेक्स को डिसाइड करता है. ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरी का सेल छोड़ दो, बाकी जितने सेल है हमारे बॉडी में सबको क्या बोलते हैं बेटा अपन, सोमैटिक सेल. ये बात समझ में आई जल्दी में, यह बात सबको समझ में आया? यस सर. यस सर. बेटा बाकी लोगों को सबको कि सोमैटिक सेल किसको बोलेंगे, हमारे बॉडी में बस सेक्स सेल को छोड़ दो, है ना, मतलब कि बस किसको छोड़ दो आप, टेस्टिस और ओवरी के सेल्स को छोड़ दो, बाकी जितने सेल्स से, हाथ नाक कान बाल जितने हैं सबको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल. सर सोमैटिक सेल मतलब, मतलब बॉडी सेल, जो आपके पूरे बॉडी को बनाता है जो सेल्स, उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल. मतलब सोमैटिक ऐसे समझो, इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं प्लांट में. मतलब जो सेक्स आपका डिटरमाइन नहीं करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उन सारे सेल्स को हम सोमैटिक सेल बोलते हैं. जैसे आपका कान जिससे बना है, आपका नाक जिससे बना है, आपका आंख जिससे बना है, आपका स्किन जिससे बना है, ये सब सोमैटिक सेल्स है. क्लियर है बेटा? सर वो डिफरेंट कैसे होती है? डिफरेंट हुआ नहीं, जैसे देखो टेस्टिस और ओवरी का सेल, वह आप में, वह क्या होता है, डिवाइड करके गैमिट बनाता है, स्पर्म और ओवम. यह सेल में कैपेबिलिटी नहीं है ओवम बनाने का, आंख के सेल में कैपेबिलिटी नहीं है ओवम बनाने का, वह टेस्टिस और ओवरी में जो सेल है वही बना सकता है स्पर्म और ओवम. ओके सर, समझ, ठीक है बेटा? यस सर. हाँ चलो, तो सोमैटिक सेल पूरे, बस ऐसे याद रखने का, कंफ्यूज नहीं होने का, पूरे बॉडी सेल को हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, बस एक जगह छोड़ के, टेस्टिस ओवरी. मेल में टेस्टिस, फीमेल में बेटा कौन, ओवरी. ठीक है? यस सर. हाँ चलो आगे देखते हैं. यस सर. चलो बेटा आगे देखते हैं. तो जो एनिमल सेल्स है ना, उसमें माइटोसिस आपको कहां दिखेगा, सोमैटिक सेल में. और अभी कैसे सोमैटिक सेल में बेटा, कैसे सोमैटिक सेल में, जो पहले से कैसा कंडीशन में हो, डिप्लॉयड. हैप्लॉयड सोमैटिक सेल में नहीं दिखता है, ये डिप्लॉयड में ही दिखेगा. लेकिन प्लांट में जब आओगे ना, तो उसके सोमैटिक सेल डिप्लॉयड हो या हैप्लॉयड हो, दोनों में माइटोसिस हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया सर. एनिमल सेल में कहां होगा बेटा, सोमैटिक सेल में, तो दोनों में होगा, पक्की बात है. वो प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, सोमैटिक सेल में तो होता है माइटोसिस. लेकिन फर्क क्या है, जो एनिमल है उसके किसमें, डिप्लॉयड सेल में बस होगा, और जो प्लांट है उसके डिप्लॉयड में भी हो सकता है माइटोसिस या हैप्लॉयड में भी हो सकता है. क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ सब लोग, इसको आपको याद ही करना होगा, इसको आपको याद ही करना होगा. ठीक है, तो देखो यही लिख रहा है. इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज रिस्ट्रिक्टेड और ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल. प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सब लोग रट्टा मार जाओगे इसको, एकदम नहीं भूल सकते हैं. ठीक है, नहीं तो बहुत जगह कंफ्यूजन होगा अगर इसको भूल गए तो. चलो, हमने पढ़ा था शुरू में ही जब मैं डिफरेंस बता रहा था दोनों का, कि इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल. आपको पता है एम फेज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल बोलते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ. यस सर. शुरू में बताया था मैंने, क्योंकि एक्चुअल ड्रामा यहीं पे हो रहा है, एक्चुअल सेल डिवीजन यहीं पे हो रहा है, इसलिए इसको ड्रामेटिक फेज बोलते हैं. क्लियर है बेटा? दो अब ये देखो लाइन, एनसीईआरटी का लाइन है आपके, ये आपके एनसीईआरटी बुक का लाइन है. ठीक है, बेटा देखो एनसीईआरटी का लाइन है क्या है,
though for our convenience mitosis has been divided into four stages of nuclear division. अभी हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस. अभी एक बार सब याद रखोगे ना, अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी मैंने, अभी आधे घंटे पहले जब, कि बेटा याद करो कोई भी डिवीजन हो, अमाइटोसिस हो, माइटोसिस हो, मियोसिस हो, उसमें पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. ये बात तो सबको याद है, बोला था ना. तो देखो इसमें भी पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और जब पढ़ेंगे ना माइटोसिस, तो माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस चार भाग में बटा हुआ है. पहला फेज कौन सा होता है बेटा, प्रोफेज. प्रोफेज. दूसरा फेज कौन सा होता है बेटा, मेटाफेज. मेटाफेज. तीसरा फेज कौन सा होता है बेटा, एनाफेज. चौथा फेज कौन सा होता है बेटा, टेलोफेज. कौन सा, टेलोफेज. टेलोफेज. हाँ ये बताऊंगा, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे सब. तो ये कैरियोकाइनेसिस है ना, चार फेज में बटा हुआ है ना कैरियोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस का कोई डिवीजन नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस ही बस चार फेज में बटा होता है. तो ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम इसको चार फेज में बांट लेते हैं. सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा. सेल नहीं बोलेगा कि पहले ए हो जाएगा तब ए होगा. सेल में यह काम सब एक साथ चलते रहता है, एक साथ चलते रहता है. लेकिन हम ताकि आसानी से स्टडी कर सके, इसलिए हमने कैरियोकाइनेसिस को कितने भाग में बांट दिया बेटा, कितने पार्ट में बांट दिया है, फोर पार्ट. ठीक है. अब क्यों ऐसा बोला, देखो क्या बात है, समझो. ऐसा क्यों बोला सर, तो सेल कैसे पहले कर लेगा, मान लो ऐसे बात समझना क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं. सेल में ऐसा क्यों नहीं होता, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. ये देखो, ये मान लो एक सेल है, ये मान लो एक सेल है, इसका एस फेज है. अभी यहाँ पे एस फेज में क्या बनता है बेटा, डीएनए. अब मान लो हमारे बॉडी को एकदम जरूरत हो गया डीएनए का, एकदम जरूरत हो गया डीएनए का. बात समझ में आ रही है, हमारे बॉडी को एकदम जरूरी है डीएनए, अभी ही चाहिए. तो इंतजार थोड़ी करेगा कि ये पहले ये फेज कंप्लीट करते हैं, करते हैं, वो तुरंत यूज कर लेगा इसको. आ रही बात समझ, जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई? यस सर. बोलो, है ना. ये डिवीजन जब होगा सेल में तो ठीक है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा. लेकिन मान लो हमारे बॉडी में कभी बहुत जरूरत होगी किसी भी चीज की बहुत ज्यादा तेज जरूरत है, अभी तुरंत चाहिए. इंजरी हो गया आपको, इंजरी हो गया तो आपका तुरंत स्किन छिल गया, है ना. ब्लड क्लॉटिंग हो गया, मान लो अगर मान लो कि कहीं टकरा गया तो ब्लड नीचे आ गया, वो तुरंत हमारा सेल एक्टिव हो जाता है, इन सब चक्कर को छोड़ के तुरंत अपने मैकेनिज्म में लग जाता है. आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ, बोलो. यस सर. यस सर. हां हां. तो इस तरह से एक बार वापस रिपीट करो ना, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा है कि सेल में ये सब चीजें एक साथ चलती रहती है, क्या प्रोफेज मेटाफेज सब एक साथ चलते रहता है. ठीक है. हम अपने पढ़ने के लिए इसको हमने चार फेज में बांट लिया, कि पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा, है ना, हम अपने कन्वीनियंस के लिए. ठीक है. सेल में ये सारी चीजें एक साथ, जैसे अपन अगर बोले ऐसा, देखो हम पढ़ने के लिए क्या पढ़ते हैं, कि पहले डाइजेशन होता है फिर ये होता है. लेकिन अगर सेल में अपने बात करें तो क्या डाइजेशन जब हो रहा है तो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है बेटा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा सर, है ना. जिसमें डाइजेशन हो रहा है रेस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं, हो रहा है ना. यही कहने का मतलब है कि सेल में सारी चीजें एक साथ चल रही है ना, बट हम अपने पढ़ने के लिए इसको चार फेज में बांट लिए, कि पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टीलोफेज होता है. आई बात समझ, बोलो. यस सर. लेकिन हम आंसर इसी के अकॉर्डिंग करेंगे जो हम मान के चलेंगे. दो फॉर आवर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ये हमेशा चलते रहता है. एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस. यही बोला है कि हम जो आराम से पढ़ लेते हैं, यहाँ भाई चार फेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है ना. जब सेल में एक्चुअल में देखेंगे ना, इन चारों के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा अच्छे से नहीं है, मतलब पता नहीं कर सकते. लगता है कि ये प्रोफेज कब खत्म हुआ, कब आपका मेटाफेज शुरू हो गया, कब आपका टीलोफेज, ये इतना क्लियर कट पता नहीं चलता वहां पे. आई बात समझ, जल्दी बताओ. यस सर. द एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन लीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. वही बात कि एम फेज में माइटोसिस और मियोसिस आता है, उसमें पहले हमेशा क्या होगा बेटा, पहले डिवीजन किसका होगा बेटा, किसका होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फॉलोड बाय किसका डिवीजन, साइटोप्लाज्म. क्लियर है बेटा? यस सर. यस सर. अब देखो अगला, एम फेज बता दिया, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू प्रोसेसेस. पहला प्रोसेस क्या है बेटा, कैरियोकाइनेसिस.
कैरियोकाइनेसिस, दूसरा प्रोसेस क्या बेटा? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस वेयर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर्स, और कैरियोन मींस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। काइनेसिस मींस मूवमेंट। साइटोकाइनेसिस मींस वेयर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। साइटो मींस सेल या साइटो, है ना, और काइनेसिस मींस मूवमेंट। जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जब न्यूक्लियस टूट के क्रोमोजोम बढ़ता है, ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, उसको बोलते हैं अपन कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है बेटा? पहले हमेशा क्या होगा बेटा? कैरियो की पहले साइटो, जल्दी बताओ। कैरियोकाइनेसिस पहले हमेशा क्या होगा बेटा? कैरियो होगा। क्लियर है बेटा जी सबको? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। देयरफॉर ड्यूरिंग एम फेज रीऑर्गेनाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सेल अकर। जो हमने इंटरफेज में सब कुछ जमा किया था ना, जो सब चीज को जमा किया था एम फेज में, वही तो करते हैं, तो उसको फिर से बांट बांट के सेपरेट कर देते हैं, मतलब दो सेल को इक्वल इक्वल बांट देते हैं, यही करते हैं ना बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। वही लिख रहा है कि एम फेज में जो जो चीजें हमने बनाई थी सबका रीऑर्गेनाइजेशन होगा फिर से, क्योंकि सब दोनों अलग अलग सेल में चला जाएगा और फिर जाके वो अपना अपना जगह ले लेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। अब एम फेज इज ऑफ टू टाइप्स, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो अब हम शुरुआत करेंगे माइटोसिस का, फिर अपन फाइनली क्या चैप्टर को एंड करेंगे, किसे अपन? मियोसिस। ठीक है, चलो माइटोसिस को अपन क्या क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्यों बोलते हैं बता दिया था, चलो फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, सबके लिए एक बार रिवीजन। ये देखो क्यों बोलते हैं अपन माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ देखो बेटा, यह एक सेल है पैरेंट सेल, इसमें मान लेते हैं कितने क्रोमोसोम है बेटा? 46। ये कौन सेल है बेटा? ये पैरेंट सेल है। कितने क्रोमोसोम है इसमें मान लेते हैं, कितने बेटा? 46। अब यह माइटोसिस किया, वन कंप्लीट माइटोसिस के बाद कितने, एक सेल जब डिवाइड करता है तो कितना बनता है? दो सेल्स। इसमें हो गया माइटोसिस, तो बन गए दो इक्वल सेल, एक सेल दो सेल। इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 46। कितने होंगे बेटा? 46। और इन दोनों सेल को क्या बोलते हैं बेटा अपन? डॉटर सेल। क्या बोलते हैं बेटा? डॉटर सेल। और कोई नाम भी दे सकते हैं क्या? प्रोजेनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेनी बोल दो या डॉटर सेल बोल दो। अब देखो तो जितना पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उतना ही सेम डॉटर सेल में भी है कि नहीं, उससे जो बना? यस सर। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेरेंट, पहली बात। दूसरी बात, यह जो दो नया सेल बना वह जेनेटिकली सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा? सिमिलर। इक्वल सेम होगा। देखो ना, इसका जो 46 क्रोमोसोम था पूरा वही कॉपी करके इसको दे दिया, तो कोई भी डिफरेंस नहीं, जैसा पेरेंट होगा बिल्कुल एकदम कॉपी होगा उसको, आप अंतर ही नहीं कर पाओगे दोनों डॉटर सेल और पेरेंट में। मतलब दोनों डॉटर सेल भी अपने जैसा होगा, एक दूसरे के जैसा होगा, और दोनों अपने पेरेंट के जैसा होगा। मतलब इन तीनों को अगर एक जगह रख दिया जाए तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन डॉटर सेल है और कौन पेरेंट सेल है। आई बात समझ? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, क्लियर है इतना सबको? यस सर। चलो अब आते हैं, चलो वही है कि माइटोसिस को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। दिख रहा है स्क्रीन सबको? यस। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन। माइटोसिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन और सोमैटिक सेल डिवीजन। अभी बताया था कि कभी कभी माइटोसिस को कुछ बुक ना सोमैटिक सेल डिवीजन भी लिख देता है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस मेनली किस सेल में देखने को मिलता है बेटा? सोमैटिक सेल। वेरी गुड। माइटोस मींस क्या होता है बेटा? थ्रेड। एंड ओसिस मींस होता है स्टेट। मतलब माइटोसिस एक ऐसा स्टेट है जिसमें कुछ थ्रेड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा थ्रेड बनता है जल्दी बता दो? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर, है ना, कि माइटोसिस में क्योंकि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है स्पिंडल फाइबर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है माइटोसिस। आई बात बेटा समझ? जल्दी बात बोलो, बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रासबर्गर। लेकिन ध्यान रखना है ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने माइटोसिस को ऑब्जर्व तो किया था पहली बार, लेकिन किसमें किया था? प्लांट के सेल में। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है बेटा? वाल्टर फ्लेमिंग। इन्होंने किसमें ऑब्जर्व किया था इसको? एनिमल्स। तो एनिमल सेल में फ्लेमिंग ने और प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहली बार किस चीज को?
माइटोसिस। तो इन लोगों ने ऑब्जर्व किया था, लेकिन टर्म माइटोसिस सबसे पहले माइटोसिस अपने मुंह से निकाला किसने था, इसने फ्लेमिंग ने सबसे पहले माइटोसिस शब्द का यूज किया था, मतलब द टर्म माइटोसिस वॉज गिवन बाय वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ चलो आगे देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। चलो डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस यहीं पे आज खत्म करेंगे, तब डेफिनेशन इसका देख लेंगे। माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। अभी तो बताया इसमें तीनों एकदम एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, एक ही जैसे होंगे। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, मतलब जो दो डॉटर सेल बनेगा ना वो आपस में भी एक दूसरे के जैसा होगा बिल्कुल, और अपने पेरेंट के बिल्कुल एक ही जैसा होगा, मतलब पेरेंट से भी सिमिलर होगा और आपस में भी सिमिलर होगा। आई बात समझ में बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। yes. तो देखो माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू, अभी देखा है पेरेंट सेल है, ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, दोनों आइडेंटिकल होगा। उसके बाद दीज सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल, ये आपस में तो आइडेंटिकल ही होगा, एक ही जैसा होगा, अपने पेरेंट से भी क्या होगा, ये दोनों सेल आइडेंटिकल आइडेंटिकल। इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच ऑल रेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर सेल्स। यही हुआ था ना, एस फेज में हमने क्या कर लिया था बेटा, डीएनए का डुप्लीकेशन, क्या कर लिया था, डुप्लीकेशन। उसी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को, सॉरी उसी डुप्लीकेटेड डीएनए को अब हम क्या कर रहे हैं, दो डॉटर सेल में इक्वली क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड है ना, बात समझ में आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, वही लिख रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन इन व्हिच ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये कहां डुप्लीकेटेड हुआ था जल्दी बताओ, किस फेज में, एस फेज, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द टू डॉटर सेल्स इक्वली सो दैट बोथ द सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है बेटा सबको, जल्दी बताओ। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, बोलो, किसी को डाउट है बेटा? नहीं ना, चलो ठीक है। प्रिया बेटा समझ में आया? खुशी? यस सर। विश्वा? विश्वास? yes. समझ में आया बेटा? यस सर। ऋषभ? साहिल? यस सर। ऋषित? यस सर। ख्याति? यस सर। अर्षिता? आहाना? कार्तिका? यस सर। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे की कहानी को शुरू करेंगे, मतलब मेनली माइटोसिस अब पढ़ना शुरू करेंगे, एम फेज को, मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहले देखेंगे प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर करवाएंगे साइटोकाइनेसिस, और जब यह खत्म हो जाएगा तब मियोसिस में आएंगे। बोलो बेटा। सर लेसन 8 का जो पेपर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा ना? पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा बेटा, और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। लेसन 10 में आपकी नोट से करना है? हाँ, सेल साइकिल मेरे नोट से पढ़ना है, ठीक है? वो सर इंटरफेज तक ही ना? हाँ जी, टू फेज तक ही। ओके सर। बस जी टू फेज तक पढ़ना, एम फेज से पहले पढ़ के आना आपको, ठीक है? जी टू फेज तक बस। ओके सर। बस जी टू फेज तक पढ़ना, ठीक है? चलो चलो बेटा लेक्चर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम। बाय बाय।